Hello, student. I am back. This is your social studies teacher, Dr. S.M. Mustafa Kazmi, with a new chapter in geography that is chapter 4 Manufacturing Industries. Here, you will learn about different types of industries and their location and their classification. And you will also learn about what are agro based industries and what are mineral based industries. And you will also learn to the classify the industries on the basis of their classification and industrial revolution and the environmental degradation caused by these industries subscribe to my channel and also press this bell icon so you never miss any new updates cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone our first topic in this chapter is manufacturing industries introduction location and classification जो प्रोसेस होता है रॉ मटेरियल को चेंज करके वेलेबल गुड्स बनाने का लार्ज क्वांटिटीज में वो कहलाता है मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज़ ये चीज़ें मैन्युफैक्चर करती हैं फिनिश प्रोडक्ट्स प्राइमरी मटेरियल से उनको कहा जाता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ ये बेसिकली आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं अब इम्पॉर्टेंस क्या है मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ का मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में कंट्री के और कंट्री का जो इकनॉमिक स्ट्रेंथ है वो मेजर की जाती है इन्हीं मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की वजह से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमारे हेल्प करता है बेसिकली इेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी कंट्रीब्यूशन जो है इंडस्ट्री का नेशनल इकनॉमी में बहुत ज़्यादा है क्योंकि आपको पता है इंडिया जो है वो एक एग्रीकल्चर कंट्री है इन मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ की वजह से फार्मिंग जो है वो मॉडर्नाइज हो गई है और लार्ज नंबर ऑफ आपकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ गई हैं इसने क्या किया है डिपेंडेंस कम कर दिया है पीपल का एग्रीकल्चर पे इसी वजह से हमारा एक्सपोर्ट्स जो बाहर कंट्री में जाता है वो बढ़ गया है और उसने हमारे रिजर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बढ़ा दिया है इसी वजह से हमारा ओवर और ग्रोथ ग्रोथ और प्रॉस्पैरिटी हुई है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री जो है वो म्यूचुअली एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं फ़ायदा पहुँचाते हैं नेशनल मैनुफेक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल एन जो सेट की गई थी वो उसका ऑब्जेक्टिव यही था कि प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जाए प्रॉपर पॉलिसी के थ्रू और गवर्नमेंट इसको बार बार नए नए आइडियाज़ लेके आती है ताकि इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ सके नेक्स्ट टॉपिक है हमारा लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ जो सबसे अहम फैक्टर होता है किसी भी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ को सेटअप करने के लिए वो होता है लोकेशन और कॉस्ट जो सबसे मेन कॉस्ट आता है मैनुफैक्चरिंग इंडस्ट्री को लगाने के लिए वो बेसिकली होता है कि रॉ मटेरियल हमें कैसे मिल रहा है किस तरह से हम प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं और किस तरह से वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में जो आइडियल लोकेशन होती है फैक्ट्री के लिए वह ऐसी जगह होती है जहाँ पर हमें आसानी और लो कॉस्ट अवेलेबलिटी मिल जाती है रॉ मटीरियल्स की कैपिटल की लैंड की लेबर की पावर ट्रांसपोर्ट और मार्केट की एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है वो अपने आसपास के इलाके का अर्बनाइजेशन करती है जो ऑलरेडी अर्बनाइज एरिया होते हैं वो ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि वो रेडी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं जैसे ट्रांसपोर्ट की बैंकिंग की लेबर की कंसल्टेंसी की और अगर कोई अर्बन सेंटर ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है उसको एडवांटेज होता है इसी वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रियल एग्लोमनेशन हो जाता है ये इंडस्ट्रियल एग्लोमनेशन जो होता है वो हमारी इकनॉमी को बहुत फ़ायदा पहुँचाता है अब बिफ़ोर इंडिपेंडेंस आज़ादी से पहले ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ जो इंडिया में थी वो ज़्यादातर ऐसी जगहों पे थी जो पोर्ट सिटीज़ हुआ करती थी क्योंकि यहाँ से हमें इजी ओवरसीज ट्रेड के लिए आसानी से चीज़ें मिल जाती थी अब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको क्लासिफाई किया जाता है बेस्ड ऑन देयर सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल रोल कैपिटल इन्वेस्टमेंट ओनरशिप पैटर्न एंड बल्क ऑफ सप्लाई लाइक रॉ मटीरियल एंड द फिनिश प्रोडक्ट दैट कैन बी सेंड टू द मार्केट नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासीफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ अब इंडस्ट्रीज़ को सेवरल ग्रुप में क्लासीफाई किया गया है पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्सेज ऑफ रॉ मटीरियल यूज़ कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज़ किए गए हैं पहला हो गया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो जो एग्रीकल्चर से जुड़ी हुई हैं दूसरा है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ जो मिनरल से को यूज़ करती हैं अब इसको लेके दो तरह की इंडस्ट्रीज़ होती हैं एक बेसिक और की इंडस्ट्रीज़ होती हैं दूसरी है कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ बेसिक इंडस्ट्रीज़ वो होती हैं जो हमारे एक्सपोर्ट में काम आती हैं और कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ जो हमारे लोकल लोगों को कंज्यूम करने के लिए फ़ायदा पहुंचाती हैं उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट कितना कैपिटल लगा हुआ है इसमें पहला है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ दूसरा है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ नेक्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप ओनरशिप मतलब कौन उसको ओन करता है इसमें पहला है प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो लोग प्राइवेट इंडिविजुअल के पास होती हैं दूसरा है, है पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ जो गवर्नमेंट के अंडर में आती हैं फिर जॉइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज़ जो प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के अंडर में आती हैं देन कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ ये बेसिकली कुछ लोग मिलकर के कॉपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं लास्ट हमारा क्लासिफिकेशन है ऑन द बेस ऑफ बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड द फिनिश गुड इसमें सबसे पहला है हैवी इंडस्ट्रीज़ जिसमें आपके आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ आती हैं जो कि बहुत हैवी होती हैं नेक्स्ट है लाइट इंडस्ट्रीज़ इसमें बेसिकली आपका इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज आती हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आती हैं और गुड्स फिनिश गुड्स इंडस्ट्रीज़ आती हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एग्रो बेस इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ जो एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल पर डिपेंड करती हैं इनको कहा जाता है एग्रोबेस इंडस्ट्रीज़ इसमें बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आती हैं जैसे एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल जूट टेक्सटाइल सिल्क टेक्सटाइल सिंथेटिक टेक्सटाइल एंड शुगर इंडस्ट्री अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो होती है वो लगभग फोर्टीन परसेंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेयर करती है ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है लगभग थर्टी फाइव मिलियन पर्सनस को डायरेक्टली ये बेसिकली अस्सी टाउन्स और सिटीज़ ऑफ इंडिया पे लोकेटेड है स्पेशली आपके महाराष्ट्र और गुजरात के दूसरा है जूट टेक्सटाइल ये लगभग अराउंड सेवेंटी इंडिया में हैं ज़्यादातर जो हैं वो आपके वेस्ट बंगाल आंध्र प्रदेश बिहार उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश ओडिशा, आसाम और त्रिपुरा में पाई जाती हैं लास्ट है हमारा शुगर मिल्स ये लगभग चार सौ साठ हैं इंडिया में पचास परसेंट इनमें से जो हैं वो आपके पाई जाती हैं उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र और अदर जो प्रोड्यूसर हैं इंडिया में इस शुगर के वो हैं कर्नाटका तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और गुजरात नेक्स्ट टॉपिक है मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़ वो इंडस्ट्रीज़ जो मिनरल्स को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करती हैं वो हैं मिनरल बेस इंडस्ट्रीज़ इनमें आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री है क्योंकि इस पर सारी इंडस्ट्रीज़ डिपेंड करती हैं जो प्रोडक्शन और पर कैपिटा कंजम्पशन स्टील का है वो बेसिकली कि, किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करता है जो मेन रॉ मटेरियल आयरन और स्टील इंडस्ट्री में होता है वो है आयरन और कोल और लाइम जो रॉ मटेरियल और फिनिश प्रोडक्ट जो आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ के हैं वो बहुत बल्की होते हैं बहुत हैवी होते हैं इसीलिए ये इंडस्ट्रीज़ आसपास माइनिंग एरियाज़ के होनी चाहिए क्योंकि मिनरल्स जो हैं वो आपके माइन से मिलते हैं और ये बेसिकली आपके गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क से कनेक्टेड होनी चाहिए इंडिया के पास बहुत सारे मिनी स्टील प्लांट्स हैं जो कि कस्टमाइज अलाय स्टील यूज़ करते हैं फॉर स्क्रैप आयरन और स्पॉन्ज आयरन एज रॉ मटेरियल। चाइना जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है स्टील का इंडिया को पीछे छोड़ते हुए मोस्ट इंडस्ट्री मोस्ट स्टील मैनुफेक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ इंडिया में जो लोकेट हैं वो हैं छोटा नागपुर प्लाटू रीजन के आसपास क्योंकि यहीं पर आपको सबसे सस्ता हाई ग्रेड रॉ मटेरियल पाया जाता है और ये यहाँ पे बेसिकली आपको अबंडेंट चीप लेबर भी होता है तो मेन चैलेंज इस इंडस्ट्री ने फेस किया है वो इसकी फुल पोटेंशियल में सप्लाई नहीं हो पा रही है और अगर सप्लाई होती है तो बहुत एक्सपेंसिव कोकिंग कोल है इराटिक पावर सप्लाई है लो आउटपुट है और लेबर एंड पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है ताकि हम स्टील को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें और इन प्लांट्स को बेहतर बना सकें इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन इंडस्ट्रीज़ ने पोल्यूशन क्रिएट किया हुआ है हमारे नेचुरल रिसोर्सेज का अब इंडस्ट्रीज़ की वजह से आपका का इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन भी होता है ये तरह तरीके से होता है पहला है एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन लैंड पोल्यूशन और सॉइल पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन अब जो स्मोक इंडस्ट्रीज से निकलती है उसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल गैसेज होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अलावा सॉलिड और लिक्विड पार्टिकुलेट मैटर भी निकलता है जिसमें डस्ट और मिस्ट होती है जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है एयर पोल्यूशन से बेसिकली हमारी हेल्थ को बहुत नुकसान होता है ये हमारे प्लांट्स और एनिमल्स को भी नुकसान पहुँचाते हैं वाटर पोल्यूशन जो होता है वो बेसिकली आपका अनट्रीटेड वेस्ट केमिकल वेस्ट होता है उसको पानी में छोड़ दिया जाता है इंडस्ट्रीज के थ्रू जिसमें आपके डाई होती है डिटर्जेंट होता है एसिड होते हैं हैवी मेटल्स होते हैं जैसे लेड और मरकरी पेस्टिसाइड होते हैं फर्टिलाइज़र होते हैं और प्लास्टिक होते हैं जो हमारे फ्रेश वाटर को ख़राब करते हैं और कुछ आपके सॉलिड वेस्ट भी निकाले जाते हैं जिसमें फ्लाई ऐश हो गया फॉस्पोजिस्म और आयरन और स्टील स्लैग ये सारा वाटर पोल्यूशन क्रिएट करते हैं अब लाउड नॉइज़ जो इंडस्ट्रीज़ में होती हैं उसकी वजह से हियरिंग का लॉस होता है इंक्रीज़ होता है ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट का भी इंडस्ट्रियल मशीनरी जो बहुत हैवी होती हैं उनसे बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती हैं तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को जैसे जनरेटर्स और सौ और निमाटिक ड्रिल्स के चलने की वजह से जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है इसको कंट्रोल करने का वो है जो इसका जो इंफ्लू निकले उसको ट्रीट किया जाए हॉट एंड पोल्यूटेड वेस्ट वाटर ताकि इसको हम धीरे आराम से रिलीज़ कर सकें लेक्स और रिवर्स में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इसमें तीन ट्रीटमेंट प्रोसेस होते हैं पहला है प्राइमरी ट्रीटमेंट प्रोसेस जिसमें स्क्रीनिंग होती है पानी को देखा जाता है उसको ग्राइंड मिलाया जाता है फ्लॉकुलेशन होता है उसको उस पर झाक बनाया जाता है उसके बाद सेडिमेंटेशन उसको कुछ टाइम के लिए रख के उसमें मिट्टी निकाली जाती है दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट इसमें बेसिकली आपको क्या कुछ बैक्टीरिया मिलाए जाते हैं ताकि वो हार्मफुल केमिकल्स को डाइजेस्ट कर सकें थर्ड है ट्रशरी स्टेज इसमें कुछ केमिकल जैसे क्लोरीन इन सब के साथ मिलाया जाता है ताकि जो हार्मफुल वेस्ट रह गया हो उसको वो न्यूट्रलाइज कर सके जो ट्रीटेड वेस्ट वाटर होता है उसको रिसाइकिल किया जाता है ताकि उसका फिर से यूज़ हो सके इंडस्ट्रियल प्रोसेस में आजकल रेन वाटर हार्वेस्टिंग को भी यूज़ किया रहा है ताकि वाटर जो इंडस्ट्रियल प्रोसेस के लिए चाहिए उसको अप हो सके अब इंडिया में एन मतलब नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है और डिस्ट्रीब्यूट करता है ये मेन कंपनी है इंडिया में एन ने कुछ स्टेप्स बताए हैं ताकि कंजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट और नेचुरल रिसोर्सेज हो सके इसके स्टेप ऐसे हैं पहला है उसने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया है दूसरा है वेस्ट जो होते हैं उसको सबसे कम मिनिमाइज़ किया है तीसरा उसने एक तरह का ग्रीन कवर प्रोवाइड किया गया है उसके आसपास बहुत सारे ट्रीज़ लगाए गए हैं चौथा है इन्वामेंटल पोल्यूशन को रिड्यूस किया गया है नेक्स्ट है कंटिन्यूस इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग। वो अपने आसपास की इकोलॉजी को मॉनिटर करते हैं ताकि किसी तरह का उसको डैमेज डामे, ना हो सके स्टूडेंट दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर एंड आई होप यू वुड हैव लाइक दिस चैप्टर वेरी मच एंड वीडियो एंड इफ़ यू हैव एनी सजेशन प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो also follow the channel that is learning education for you we'll be having more videos like this and with your encouragement i'll be making more videos and also videos on the question and answers related to these chapters with the coming videos we'll be discussing the questions and answers important question and answers of these chapters and also we'll be making you aware of all these topics in short so please subscribe this to this channel and also like and comment on this video